पूरा पैसा केस कत्ल का केस आई कत्ल का केस हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है भाई सबूत इकट्ठा करो और कातिल को गिरफ्तार करो अरे सर जब कातिल ही नहीं है तो सबूत कहाँ से मिलेगा भाई सबूत क्या होता है मृतक के खून के दाग के निशान चाकू हथियार चश्मदीद गवाह जहाँ कहीं भी मिले फौरन लेके आओ खून के निशान यानी कि जिस व्यक्ति ने उस मृतक को अस्पताल पहुंचाया था उसके कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए हैं और वो व्यक्ति बाहर रिपोर्ट लिखवाने भी आया है तो क्या कातिल वही है अरे तो फौरन उसे अंदर तक चलो अभी लाते हैं सर काले कारनामे है ना कान वो सब यहाँ दर्ज है
कम से कम 10 साल की सजा होगी। समझा? देखा था, देखा था। हाँ, अब यही बात तुम्हें अदालत में कहनी है। समझ गया? चल उठ ले। अब आप ऐसे ही 4-6 लंगूरों को पकड़ कर रख दीजिए, वो आपके 300 केस निपटा देंगे। अरे वाह सर वाह, आप तो कमाल ही है सर, कमाल ही है। लाजवाब सर, अद्भुत। वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है। अब एक काम करिए, आपके आगे आने वाले केसों के लिए कुछ सिद्धांत समझ लीजिए। जी सर, समझा दीजिए ताकि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो। हाँ, अब देखिए, कत्ल हुआ जी तो खूनी जरूर होगा जी, तो किसी को खूनी को सजा भी मिलेगी। बिल्कुल। अब सजा खूनी को मिले या किसी बेकसूर को, ये अपने पुलिस के सोचने की बात थोड़ी है भाई। पुलिस के लिए तो सभी बराबर है, क्योंकि हर इंसान में परमात्मा का वास होता है और पुलिस परमात्मा से मतभेद नहीं रखती, सबको एक बराबर मानती है। ठीक है? अरे वाह सर, मैं अगली बार से ऐसा ही करूंगा सर। वाह, ठीक, थैंक यू सर। अब चांद पर कोई भी अपने बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसके बाप की मृत्यु बीमारी से हो गई तो चांद सरकार उसे हत्या का आरोप लगाकर जेल में डाल देगी। अब घूमते बच्चे को कोई नहीं बचाता, अब मकान में लगी आग को कोई नहीं बुझाता। अरे इस माताजी की वजह से जिंदगी नरक हो गई है चांद पे। अरे चांद सरकार फौरन इस्तीफा दे, नहीं तो माता दीन को धरती पर वापस भेजे। चांद सरकार उठा पे, चांद सरकार उठा पे, चांद सरकार उठा पे, माता दीन को वापस भेजो, माता दीन उठा पे, माता दीन उठा पे, माता दीन उठा पे। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, अब से कोई गलत काम ना करूंगा प्रभु, कोई गलत काम ना करूंगा, किसी से रिश्वत ना लूंगा प्रभु, किसी के साथ अन्याय ना करूंगा, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। अरे अरे अरे, किससे पहले इतनी बातें कर रहे हो? हे भगवान, पहले ये सिर्फ रात में बड़बड़ाया करते थे, अब तो दिन में भी शुरू हो गए हैं। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। क्या? आपके ऑफिस से कॉल आया था। अच्छा। वो कह रहे थे कि भारत सरकार आपको चंद्रमा पर भेज रही है। हाँ, वहाँ की पुलिस को ट्रेनिंग दे दे, वहाँ की पुलिस बहुत सुस्त पड़ गई है ना, तो आप उन्हें ट्रेनिंग देने जाएंगे। हाँ क्या? Thank you.